स्वाद बंगाल, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की हमारी जो रेसिपी है दैट इज पनीर पकोड़ा। दिस इज वेरी डिलीशियस, बहुत ही इजीली क्विकली बन जाती है। सो लेट्स चेक आउट दी रेसिपी। बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू रिसीव माय एवरी नोटिफिकेशन एट द आईडीएस। लेट्स बिगिन द रेसिपी। पनीर के पकोड़े के लिए सबसे पहले एक बॉल में हम आधा कप बेसन लेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच नमक देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी देंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर देंगे और देंगे जीरा पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और 2 टेबलस्पून राइस पाउडर। राइस पाउडर से पनीर पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम थोड़े से पानी मिलाएंगे और बैटर बना लेंगे। एक चम्मच से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई लम्स ना हो और बेसन बहुत ही स्मूथ बने। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, एट अ टाइम पूरा पानी ऐड नहीं करेंगे। इस तरीके से बेसन जो है बहुत ही स्मूथ बनना चाहिए विदाउट एनी लम्स, इस तरह से। अब इसमें हम 1 टीस्पून सरसों के तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इससे क्या होता है, जो बैटर है अच्छे से कोटिंग बैठता है पनीर के ऊपर। आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कितना स्मूथ है और कंसिस्टेंसी भी यूनिफॉर्म है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर देंगे। बेकिंग पाउडर से पनीर पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। इसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से एक चम्मच से। सो अभी हमारा बैटर रेडी है बिल्कुल। मीनवाइल हम पनीर के पीसेस कर लेंगे। उससे पहले पनीर को एक किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि वाटर कंटेंट ना हो और बिल्कुल ड्राई हो पनीर। अभी हम पनीर के पीसेस कर लेंगे इस तरीके से, लंबे लंबे, थोड़े थिकनेस के साथ। इससे ज़्यादा पतला ना करें, फिर पनीर टूटने के चांसेस होते हैं वाइल फ्राइंग। ये देखिए, ये है थिकनेस। अब हम इसके मीडियम साइज़ के पीसेस कर लेंगे। आप चाहे तो लंबे पीसेस रख सकते हैं बट आई प्रेफर मीडियम साइज़। इससे फ्राई करते समय आसानी होती है और काफ़ी कम तेल में फ्राई कर सकते हैं। सो ये बन गए हमारे पनीर क्यूब्स। अब हम सारे पनीर को एक एक कर बेसन में डिप कर देंगे और अच्छे से बेसन के साथ मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए एक प्रॉपर कोटिंग बैठ गया है। इसमें अभी हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल देंगे, अराउंड 1/2 टीस्पून, और इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। मीनवाइल एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल लिया है। थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि तेल गरम हुआ है या नहीं। देखिए तेल गरम है। अब हम एक एक कर पनीर क्यूब्स डालेंगे इस तरह से। अगर तेल प्रॉपरली गरम हो तो पनीर चिपकेगा नहीं कढ़ाई पे। पनीर डालते ही इसे इमीडिएटली ना हिलाएं, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और फिर इसे फ्लिप कीजिए इस तरह से। अब देख सकते हैं इसमें कितने कम तेल में कितने आसानी से पनीर फ्राई हो रहा है। इस तरह से आप पनीर को हिलाते रहे और ऑयल को इसके ऊपर डाल के इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते रहें। अब हमारा पनीर ऑलमोस्ट हो चुका है, इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। ये रहे हमारे पनीर पकोड़े। अब सिमिलरली हम बाकी के पनीर भी फ्राई कर लेंगे। ये पकोड़े बहुत ही क्विकली आसानी से बन जाती है। ये देखिए हमारे पनीर के सेकेंड लॉट भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये रहे हमारे पनीर पकोड़े एंड इट्स रेडी टू सर्व। आप श्योरली ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको। इसको आप टोमेटो केचप, मस्टर्ड सॉस या मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर धनिया पुदीना चटनी है तो फिर तो और बढ़िया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए फॉर न्यू रेसिपीज़। हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।